हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टेक कैंपस चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है फॉन्ट इन एमएस वर्ड। बेसिक मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ फॉन्ट के बारे में, और फॉन्ट के बारे में फिर एडवांस में हम लोग अगली वीडियो में उसके एडवांस पोर्शन को देखेंगे। तो DCA प्लेलिस्ट में यानी DCA कोर्स के वर्ड यानी एमएस वर्ड हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, और उससे रिलेटेड ये फॉन्ट टॉपिक है। काफ़ी पॉपुलर फीचर है एमएस वर्ड का और बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कंप्यूटर ऑपरेशन में फॉन्ट का सभी लोगों को ज़रूरत पड़ती है, बिना फॉन्ट का कोई काम नहीं होता है कंप्यूटर में। तो मैं आपको बता दूँ कि फॉन्ट से रिलेटेड जो वीडियो है वो दो पार्ट में मैं आपको बताऊँगा। अभी इस वीडियो में मैं फॉन्ट के बेसिक जो ऑपरेशन हैं, बेसिक जो ऑप्शन हैं, उनको मैं आपको इस वीडियो में करके बताऊंगा, और अगली वीडियो जो एमएस वर्ड की आएगी उसमें मैं आपको फॉन्ट का एडवांस बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको फॉन्ट से रिलेटेड थ्योरी क्लास और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस मिलेंगे, और अच्छे से अगर आप फॉन्ट को समझना चाहते हैं तो आप ये दोनों क्लासेस अटेंड करें। और वीडियो के शुरू में यानी फर्स्ट पार्ट में आपको थ्योरी की क्लासेस मिलेगी और वीडियो के अंत में प्रैक्टिकल क्लास मिलेगी, तो पूरा वीडियो देखिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं थ्योरी क्लास से। थ्योरी क्लास में बहुत सारा पॉइंट मैं आपको फॉन्ट से रिलेटेड बताऊंगा, वो सारे पॉइंट्स आप अच्छे से लिख लेना और समझना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करके उसका जवाब दूंगा। और आगे वीडियो में बढ़ने से पहले ये जान लें आप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या क्या सीखेंगे। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आप सीखेंगे कि फॉन्ट क्या है, फॉन्ट का यूज़ क्या है, क्यों फॉन्ट यूज़ करते हैं कंप्यूटर में और सॉफ्टवेयर्स में, और फॉन्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस जैसे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट कलर, ये कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड में। साथ में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का क्या मकसद है और कैसे उसको हम लोग कर सकते हैं, वो भी आप सीखेंगे इस वीडियो में। साथ साथ ये सारे फॉन्ट के अंदर ही आते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट और टेक्स्ट हाईलाइट कैसे किया जाए वो आप सीखिएगा। साथ में क्लियर फॉर्मेटिंग भी होती है, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने दिया है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब मैं आपको थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल पोर्शन बताऊंगा तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो वहाँ मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो पूरा वीडियो देखिए और प्रैक्टिकल डेमो जरूर देखिए इस वीडियो का लास्ट में, और थ्योरी को समझने के बाद आप प्रैक्टिकल देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं थ्योरी क्लास से, जिसमें व्हाट इज फॉन्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, फॉन्ट जो है कंप्यूटर डिक्शनरी की वर्ड है, ये टेक्निकल वर्ड है जिसका मीनिंग मैं आपको बता दूं, चूंकि ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो। अभी आप वर्ड यूज कर रहे हो, मैंने आपको नोटपैड में भी फॉन्ट बताया था, अगर आप वो वीडियो देखिएगा DCA प्लेलिस्ट में तो आपको पता चल जाएगा। तो फॉन्ट का मतलब होता है टेक्स्ट का डेकोरेशन, यानी टेक्स्ट को कैसे हम डिजाइन करें, टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप मैनुअली कोई चीज़ लिखते हो तो अलग अलग ह्यूमन बींग्स, अलग अलग लोगों की हैंडराइटिंग अलग होती है, लिखने का तरीका अलग होता है, कोई कर्सिव लिखते हैं, कोई अलग अलग तरीके से लिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर में मैनुअल तो है नहीं, यहाँ पे तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉन्ट दिया हुआ है। तो आप अगर चाहते हैं, जैसे कि अभी इंग्लिश में लिखना है, अभी आप हिंदी में चाहते हैं, तो आप फॉन्ट चेंज करके लिख सकते हैं, हिंदी का फॉन्ट यूज़ करना होगा आपको। अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको उर्दू का फॉन्ट लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग स्टाइल की फॉन्ट है, वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉन्ट का, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। डिज़ाइन फॉर ए सेट ऑफ करेक्टर्स, यानी फॉन्ट को अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये सेट ऑफ करेक्टर का डिजाइन है। ए फॉन्ट इज ए कम्बिनेशन ऑफ फॉन्ट स्टाइल एंड अदर क्वालिटीज सच एज साइज, पिच, स्पेसिंग। तो फॉन्ट में जो मेन है वो फॉन्ट स्टाइल है, साथ में और भी बहुत सारी क्वालिटीज है, जैसे साइज को बड़ा छोटा लिखना, है ना, स्पेस दे के लिखना, बोल्ड करके लिखना, इटैलिक करके लिखना। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, टाइम्स रोमन एक फॉन्ट स्टाइल है, है ना, जिसका मतलब क्या है, ये करेक्टर को एक अलग शेप में, एक डिफरेंट शेप में डिफाइन करने का काम करता है, है ना। वही चीज़ अगर आप कॉमिक स्कैन में लिखोगे, कॉमिक सेंस में, तो वो अलग स्टाइल है उसका, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना।
यहाँ पे आप देखो कि जब आप एमएस वर्ड का होम टैब देखोगे तो वहां इस तरीके के जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ये सारे ऑप्शंस जो देख रहे हो आप, ये सारे फॉन्ट के ऑप्शंस हैं। सब करके मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, ये फॉन्ट की स्टाइल है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक बड़ा सा लिस्ट खुलेगा, उसमें बहुत सारे फॉन्ट होंगे। तो कुछ बेसिक फॉन्ट ऑलरेडी आपको दिए गए होते हैं, लेकिन जैसे कुछ अलग काम करना चाहते हो, आप हिंदी यूज करना चाहते हो, तो बहुत सारे विंडोज में हिंदी का फॉन्ट नहीं दिया होता है, तो आप अलग से भी फॉन्ट डाल सकते हो, है ना। यानी वो उसकी एक सेटिंग होती है। मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके आपके लिए कि आप कैसे अपने काम से रिलेटेड फॉन्ट को कैसे अपने वर्ड में या फॉन्ट के लिस्ट में डाल सकते हैं, तो वो काफी आसान है। उसके बाद ये जो देख रहे हो, ये साइज है, और ये फॉन्ट को इम्प्रिसाइज करने का अलग अलग ऑप्शन है। ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, आप देख सकते हो, ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये स्ट्राइक थ्रू है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये सारे टेक्निकल नेम मैं ले रहा हूँ। जब इसका काम आप देखोगे, जो मैनुअली आप करते हो, जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है या H2O कोई इक्वेशन लिखना है, तो वहाँ पे ये और वर्ड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप, है ना। ये टेक्स्ट इफेक्ट्स है, यहाँ पे टेक्स्ट को हम लोग इफेक्ट देते हैं, अलग अलग इफेक्ट देते हैं। ये हाइलाइटर है ना, इसे हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई चीज़ आपका पैराग्राफ है, उसमें दो तीन कहीं कहीं आपको हाईलाइट करके बताना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट का कलर, यानी फॉन्ट का कलर है ये। आप चाहते हो ये रेड में आए, अभी ब्लैक में दिख रहा है, आप चाहते हो रेड और ग्रीन में आए, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप फॉन्ट में सीखेंगे। ये बेसिक ऑप्शंस हैं, फिर इस पर जब क्लिक करेंगे हम लोग तो फॉन्ट में और भी बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, जो हम लोग अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर फॉन्ट को यूज करना क्यों चाहिए? एक्चुअली एक बार अगर आपने फॉन्ट की सेटिंग कर दी, देखो आप जैसे कोई बुक को देख लो, कोई बुक उठा लो अपने हाथ में, छोटी सी बुक या बड़ी सी बुक, कोई भी बुक, आप देखोगे बुक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से समझना। मैं बहुत बहुत अच्छी चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप उसको पकड़ो। क्योंकि देखो होता क्या है कि हम लोग DCA कोर्स कर लेते हैं, वर्ड पढ़ लिए, एक्सेल पढ़ लिए, लेकिन उसका प्रॉपर एप्लीकेशन यानी उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हर एक ऑप्शन का आपको एप्लीकेशन पता हो, है ना। तो वो मैं बताने जा रहा हूं कि फॉन्ट क्यों यूज करना चाहिए। आखिर ये ऑप्शन है तो क्यों यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए। जैसे देखो, अगर आप कोई रिपोर्ट तैयार करते हो, मैं बुक का एग्जाम्पल ले रहा था, तो बुक में क्या होता है कि आप शुरू से अंत तक देख लोगे, बुक का जो चैप्टर का हेड है, हेडिंग है, उसका एक ही स्टाइल आपको हर जगह मिलेगा। जैसे हर चैप्टर में अगर उसका फॉन्ट का साइज 20 है, तो आपको हर चैप्टर का जो हेडिंग होगा उसका फॉन्ट का साइज 20 ही मिलेगा। अगर उसकी कलर ब्लैक है तो हर जगह ब्लैक मिलेगी, ठीक है। अगर मान लो सिलेबस का इंडेक्सिंग जो दिया हुआ है, वो अगर पेज नंबर रेड कलर में दिया हुआ है 12 साइज में, तो हर जगह आपको 12 ही मिलेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कोई वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो हम लोग एक फॉन्ट का डिफॉल्ट सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो और हर पेज में एक नया फॉर्मेटिंग कर रहे हो, मतलब एक पेज, फर्स्ट पेज में आपने जो हेडिंग किया उसमें आपने कलर डाला ब्लैक, और फिर दूसरे पेज में जो हेडिंग डाल रहे हैं या दूसरे टॉपिक का जो हेडिंग डाल रहे हैं वो रेड डाल रहे हैं, तो ये प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। ये इलिटरेसी हो गया है, मतलब आपको अच्छे से नहीं आता है वर्ड यूज करने, है ना। तो एक डिफॉल्ट सेटिंग करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वर्ड में जब फाइल क्रिएट करते हैं, कोई ढंग का काम करने जा रहे हैं आप, रियल वर्क करने जा रहे हैं, सीधा कुछ भी करना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप प्रोफेशनल वर्क करने जा रहे हैं, कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सारी सेटिंग एक बार कर लेते हैं फॉन्ट की, और उसको डिफॉल्ट सेट करके हम लोग फिर जब भी कोई पेज उसमें ऐड करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट वो फॉन्ट जो हम लोग सेट किए हुए रहते हैं वो काम करता है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग फॉन्ट यूज करते हैं कि एक स्टैंडर्ड हमारा फॉन्ट बना रहे पूरे डॉक्यूमेंट में। फिर दूसरी फाइल में हम लोग दूसरा तरह का फॉन्ट सेट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर तुरंत तुरंत आप फॉन्ट चेंज करो, है ना। तो एक फाइल जब आप क्रिएट करते हो, तो उस फाइल का जो फॉन्ट होना चाहिए वो एक डिफॉल्ट फॉन्ट होना चाहिए और स्टैंडर्ड होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और वो पूरे पेज में काम करना चाहिए एक ही तरीके का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये प्रोफेशनल डिमांड है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे डिफॉल्ट फॉन्ट सेट करेंगे आप। सबसे पहले आप होम टैब पे जाइएगा, तो आपको फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके फॉन्ट को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद जो जो ऑप्शन आप चाहते हो, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट यू वांट टू अप्लाई टू द डिफॉल्ट फॉन्ट, सच एज फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज, जो भी
आपकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आप फुलफिल कर लोगे, उस सबको सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सेट एज डिफॉल्ट एक ऑप्शन आपको दिखेगा, उसको सिलेक्ट करके और क्लिक कर दोगे ओके पे, तो आपका जो ये फॉन्ट होगा वो डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फॉन्ट को क्यों यूज करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको स्टेप भी बता दिया है, प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके बता दूंगा जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो प्रैक्टिकल जरूर देखिएगा इस टॉपिक का। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉन्ट स्टाइल साइज और कलर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो कोई भी फॉन्ट का सेटिंग करने से पहले आपको कुछ लिख लेना चाहिए, तो टाइप सब टेक्स्ट फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फॉन्ट स्टाइल क्या है, तो डिसाइड द स्टाइल ऑफ राइटिंग टेक्स्ट। आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं या लिखने जा रहे हैं या लिखे हुए हैं वो किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, कृति देव, जो आप ये फॉन्ट देख रहे हैं ये हिंदी की फॉन्ट है, कॉमिक स्कैन, सेंस एमएस जो है ये भी एक तरह का फॉन्ट है जिसमें अलग डिजाइन में आपको टेक्स्ट दिखेगा लिखा हुआ। फॉन्ट साइज क्या है, ये साइज ऑफ राइटिंग टेक्स्ट यानी साइज को बड़ा छोटा करना। नॉर्मली 12 जो होता है वो प्रोफेशनल ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉन्ट माना जाता है, 12 में आपको लिख। यू कैन इनहेंस मोर, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से जितनी आपको जरूरत है। फॉन्ट कलर कोई भी कलर में आप लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये रेड कलर है, ये ब्लैक है, तो उस तरीके से आप किस कलर में लिखना चाहते हैं, रेड ब्लू ग्रीन इटीसी, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन वहाँ दिए हुए हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फॉन्ट स्टाइल क्या करता है, साइज क्या होता है और कलर क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करते हैं। होता क्या है कि कोई कोई टॉपिक को आपको बोल्ड करना होता है, जैसे मैंने इसे बोल्ड में लिखा है, तो कोई भी टेक्स्ट जो आप लिखे हुए हैं उसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वही उसी पे इसका इफेक्ट होगा। उसके बाद आप बोल्ड को क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो टेक्स्ट इम्फेसाइज हो जाएगा यानी हाईलाइट हो जाएगा, थोड़ा बोल्ड में दिखेगा, है ना। एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, मैंने इसको विथ बोल्ड यानी ये बोल्ड किया है मैंने और ये बिना बोल्ड का है, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैंने इसे एग्जाम्पल के रूप में लिया है। इटैलिक का मतलब होता है डिक्लाइन करना, मतलब किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा झुकाना, जैसे आप देखो यहाँ पे, जिससे कि वो अलग लगे, थोड़ा डिफरेंट लगे। यहाँ पे मैंने इटैलिक को देखो यहाँ पे कैसे ये इटैलिक किया हुआ है और ये विदाउट इटैलिक है, तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो इटैलिक का क्या मतलब होता है। अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो उसके नीचे अगर आप लाइन देना चाहते हो, अपने आप एक लाइन आ जाए, तो आप कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे विथ अंडरलाइन में यहाँ पे अंडरलाइन दिया है और ये विदाउट अंडरलाइन है, तो दोनों में डिफरेंस आप क्लियर कर सकते हो। तो ये था बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, जो कि एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर ले। हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट और टेक्स्ट हाईलाइट, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए ये टेक्स्ट इफेक्ट है ना, और इससे क्या होता है वो भी आप एग्जांपल से देखिए। अगर आप कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो इस तरीके से दिखेगा, अगर आप कोई इफेक्ट डालते हैं तो ये एक सिंगल इफेक्ट है, इसमें बहुत सारा इफेक्ट का कलेक्शन होता है, आप उसमें सेलेक्ट करोगे तो कोई भी इफेक्ट आप दे सकते हो अपने नॉर्मल टेक्स्ट को। ये दोनों भी आप डिफरेंस क्लियर कर लें यहाँ पे। साथ में ये टेक्स्ट हाईलाइटर है, जैसे कोई चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो रामी जे गुड बॉय लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि गुड को हाईलाइट करें, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे उसको आप चला दोगे तो उतना दूर आपका क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। और कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी स्टाइल, कोई भी चीज़ आप दिए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए, जैसे यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट इफेक्ट डाला है, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना, या यहाँ पे आपने हाईलाइट किया है क्लियर फॉर्मेट कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लियर फॉर्मेटिंग भी आपको जानना जरूरी है। मान लो मैंने कर दिया इफेक्ट और आप चाहते हैं नहीं करें, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा फॉन्ट क्या है, फॉन्ट को क्यों यूज करते हैं कंप्यूटर में, डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग क्या होती है, बोल्ड इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, उसके अलावा टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज और टेक्स्ट कलर क्या होते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट क्या होता है, और कोई भी फॉर्मेटिंग को कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं ये भी आपने जाना। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में और देख लेते हैं इसके ऊपर एक डेमो, चूंकि प्रैक्टिकल जब तक होगा नहीं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, तो थ्योरी में जो कुछ भी आपने सीखा उसे नोट डाउन कर लें और प्रैक्टिकल क्लास में चल के उन सारी चीज़ों को आप देख लें कि कैसे वो किया जाता है, कैसे उस पर काम किया जाता है। और चलने से पहले मैं अपने नए यूजर्स को जो पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि ये चैनल आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी कोर्सेज प्रोवाइड करती है। अभी जो आप देख रहे थे वो DCA कोर्स की वीडियो थी, इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हर तरह की वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो आपको अपने आप मिल जाए।
और जितने भी व्यूवर्स जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो कुछ सीख रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग एक बार देख लेते हैं फॉन्ट के बेसिक ऑप्शंस को, कैसे वो काम करते हैं। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में आप सीख रहे हैं फॉन्ट, और आपने थ्योरी क्लास में देखा होगा कि फॉन्ट क्यों यूज करते हैं, फॉन्ट क्या होता है। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले जो ये डिफरेंट टैब हैं वर्ड के, इस टैब में आपको और कहीं नहीं जाना है, बस होम टैब में क्लिपबोर्ड के बगल में फॉन्ट और पैराग्राफ से पहले आपको ये फॉन्ट का बेसिक ऑप्शन दिखेगा जो कि आपके सामने है। और इसमें डिफरेंट ऑप्शन है जिसको मैं आपको करके अभी प्रैक्टिकल में बता देता हूँ। तो देखो, कोई भी ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करने से पहले आप जो रिटन टेक्स्ट है उसमें आप पहले कर लो, या पहले से ही फॉन्ट सेटिंग कर लो। अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना होगा लिखने के बाद। जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको आप सेलेक्ट कर लें और फॉन्ट के स्टाइल को बदलने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अलग अलग ऑप्शन आपको दिखेगा, जैसे जिस ऑप्शन पे आप जाओगे, देखो यहाँ पे अलग अलग तरह का स्टाइल है, आप देख सकते हो वीडियो में, मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड है हमारा टाइम्स न्यू रोमन जिसमें ये लिखा गया है। अगर इसमें आप दूसरा कोई चाहते हैं स्टाइल तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें हिंदी की भी है, तो आप जैसे हिंदी अगर करोगे, जैसे मैंने आपको बताया होगा थ्योरी क्लास में, कृति देव में अगर आप करोगे तो ये हिंदी में ये चेंज हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से, और हिंदी का टाइपिंग अगर आपको आता है तो हिंदी का फॉन्ट चेंज करके आप काम कर सकते हैं। ऐसे फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से आप चेंज करके, टाइम्स न्यू रोमन हमारा स्टैंडर्ड होता है तो उसमें भी हम लोग रखते हैं। यहाँ से साइज को छोटा और बड़ा करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज छोटा और बड़ा हो रहा है ना। तो जो भी साइज आप चाहते हैं उस साइज में आप कर लें। नॉर्मली 12 हमारा स्टैंडर्ड होता है तो 12 रख सकते हैं आप, अगर थोड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं तो 14 भी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बोल्ड करना चाहते हो, यहाँ से क्लिक करेंगे, देखिए नॉर्मल टेक्स्ट है और ये बोल्ड टेक्स्ट है। अगर आप उसको इटैलिक करेंगे और बोल्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप हटा दें, तो केवल इटैलिक, और देख सकते हैं आप नॉर्मल और इटैलिक में क्या डिफरेंस है, जो मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी बताया था, यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ। अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो हर टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ के हिसाब ऐसे आ रहे हैं। और ये है स्ट्राइक थ्रू, इसका भी एप्लीकेशन है जो मैं आपको अगली वीडियो यानी फॉन्ट के एडवांस सेक्शन में बताऊँगा। मैं अभी करके बताता हूँ इसमें है क्या, कि जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर आप सेलेक्ट किए हुए हैं तो उस पर आप जब क्लिक कर देंगे तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है उस पर एक लाइन आ जाएगा, लाइन मतलब बीचे बीच उस काट दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखना, है ना। मैं अभी इस वीडियो में केवल बेसिक ऑप्शन को क्लियर कर रहा हूं इस तरीके से। अभी देखो ये क्या ऑप्शन है, बड़ा अजीब सा ऑप्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट और इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो दोनों में आप देख रहे हो कोई विशेष अंतर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, दोनों एक ही तरह का काम कर रहा है ना, थोड़ा सा का डिफरेंस है, थोड़ा ऊपर हो रहा है थोड़ा नीचे हो रहा है ना। लेकिन इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो कि हम लोग अगली वीडियो यानी एडवांस में देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट इफेक्ट है, आप कोई भी इफेक्ट, अब मैंने आपको बताया थ्योरी क्लास में कि आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, देखिए। और उस इफेक्ट को यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, यानी आउटलाइन चेंज करना है तो यहाँ पे जाओ, ठीक है, शैडो चेंज करना है तो यहाँ जाओ, रिफ्लेक्शन, अलग अलग तरह का रिफ्लेक्शन चाहिए, ये बना बनाया डिजाइन है, आप खुद का भी तैयार कर सकते हो। मैं ऑलरेडी अपने एमएस वर्ड के जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था, इंसर्ट में, पिक्चर वगैरह में, वर्ड आर्ट में, इसका मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि आउटलाइन क्या है, शैडो क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, ग्लो क्या है। मैं हर वीडियो में नहीं बता सकता हूँ चूंकि समय काफ़ी लग जाती है। तो अगर आपको ये नहीं पता, आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आप, मैं आपको कहूँगा कि आप डीसी की प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देखिए। और अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वर्ड आर्ट की जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लें, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से 3D ऑप्शंस वगैरह को भी बताया है, तो आप उसको देख लें जिससे कि आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। अब जैसे देखो आपने ये कर तो दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं अब ये नॉर्मल ही रहे, ये बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अभी ये साइज चूंकि हमने छोटा करके छोड़ दिया है तो यहाँ से इसको आप नॉर्मल कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, है ना। और ये देखिए हाइलाइटेड है, हाइलाइट कलर है, इसको करने से क्या होगा, आप किस कलर में हाइलाइट करना चाहते हैं, देखिए जितना पोर्शन आप सेलेक्ट करोगे उतना ही पोर्शन आपका हाईलाइट होगा, है ना। उस तरीके से
कर सकते हो इसको, अगर आप हटाना चाहते हैं तो फिर इसको ये कर लीजिए यहाँ से नो कलर, और यहाँ से इसको हाईलाइट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, नॉर्मल हो गया। इस तरीके से काम करता है, मतलब उसी से आपका हाईलाइट भी होगा और उसी से आपका हाईलाइट हटेगा भी, ठीक है। नो कलर करके आप इसको ये चला दीजिए, और टेक्स्ट कलर बदलना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए जितने हिस्से को आप चाहते हैं कलर चेंज करना, और डिफरेंट कलर है, बहुत सारे कलर हैं, ग्रेडियंट्स हैं, ग्रेडियंट्स में अलग अलग कलर डिजाइन हम लोग बनाते हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके आप उसको ये कर सकते हो। तो आई थिंक बेसिक जो ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिया है आज इस वीडियो में, आप इसको करके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बोल्ड इटैलिक टेक्स्ट इफेक्ट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने बताया है। हाँ, कुछ ऑप्शन के एप्लीकेशन मैंने नहीं बताया चूंकि वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग टॉपिक है जिसमें आपको अच्छे से बताने के लिए मैंने इस टॉपिक को फॉन्ट को दो पार्ट में बांटा है, बेसिक और एडवांस। तो आप पहले बेसिक क्लियर कर लो, फिर अगली वीडियो देखो एडवांस की, जिसमें मैं ये सारा एप्लीकेशन क्लियर करूंगा। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने छोड़ दिए हैं, आप इसको भी क्लिक करके देखो, ये इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना। तो इन सारे ऑप्शंस को एडवांस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें, अच्छे से सीखें, है ना। और अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो इतने मैसेज के साथ मैं आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।